हेलो, गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड इवनिंग मैम, मैं विकेश बोल रहा हूँ क्लिपर 28 से। जी जी बताएं। जी सबसे पहले रेखा मैम, आपका क्लिपर 28 में मैं विकेश कुमार होकर आपका स्वागत करता हूँ। जी धन्यवाद। जी सबसे बड़ी जो बात सामने आई है कि आपने 300 प्लस का जो आंकड़ा है बीजेपी के लिए पहले से ही बता दिया था कि 300 प्लस आने वाली है। 310 आने वाली है, मैंने प्रिडिक्शन की थी और 303 आया। 303 लगभग बराबर आया। तो ये जो प्रिडिक्शन आपने किया था ये किस बेसिस पे किया था, ये सबसे पहले जानना चाहेंगे मैम। जी इसके लिए मैंने सबसे पहले मोदी जी की कुंडली एनालाइज की। जी मोदी जी की कुंडली में बहुत अच्छे योग है और इसका कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। जी इसकी प्रिडिक्शन मैंने अपने फरवरी के एक इंटरव्यू में दे दी थी। जी और उसमें बहुत अच्छे राजयोग हैं, दशाएं भी हैं और गोचर भी, सब चीजें मोदी जी के अनुकूल ही चल रही हैं। जी इसी के साथ मैंने इसके लिए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का भी एनालाइज किया। जी दोनों कुंडलियों पे मैंने 23 मई 2019 के का ग्रह गोचर लगाया। जी जिसके अनुसार उस दिन चंद्रमा इनके दूसरे और तीसरे, जी मतलब सत्ता का पद और उसके लिए पुरुषार्थ, मतलब उन दोनों का फल वो उस दिन दे रहा था। जी जी तो इस प्रकार मुझे स्पष्ट हुआ कि जो जिस दिन रिजल्ट आ रहा है वह दिन मोदी जी के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। जी और क्योंकि चंद्रमा उस दिन इनके जन्म राशि से तीसरे भाव पर 11:45 के बाद गया, तो जिसने यह स्पष्ट किया कि इन्हें 11:45 के बाद शाम तक एक बहुत अच्छी शुभ सूचना मिलने वाली है। जी 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 मैम, आने वाले जो 5 साल हैं क्या उसके लिए भी आपने कोई एनालाइज किया है कि आने वाले 5 साल में मोदी जी का कार्यकाल कैसा होगा? आने वाले 5 साल मोदी जी के लिए काफी संघर्ष भरे रहेंगे। जी क्योंकि हमारी जीत जितनी बड़ी होती है उस जीत को बनाए रखने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जी दूसरा, जितने लोगों ने इन्हें चुनाव चुनकर यहाँ तक पहुँचाया है उन सब की अपेक्षाएं इनसे बहुत ज्यादा हैं। जी, जी, जी। तो अभी बहुत सारे बेरोजगार अपने रोजगार के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी, जी। जो हिंदू धर्म के हैं वो लोग राम मंदिर के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। 3377A ये सब हट जाए ऐसा भी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। देश में शांति हो, विकास हो, तो इन सब की प्रतीक्षाएं इन्हें ज्यादा मेहनत के लिए कर रही हैं और इनकी कुंडली कहती है कि कोशिश तो करेंगे मगर उसमें ये शायद 60-70% ही पूरी कर पाएंगे। दूसरा रहा कि इनके बाद का, मतलब आने वाले 5 साल के बाद भी कुछ ऐसे योग बन रहे हैं कि संभावित है कि मोदी जी दूसरी बार ही नहीं तीसरी बार भी सत्ता में वापसी कर सकते हैं। जी 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 मैम, एक चीज और जानना चाहेंगे कि जब आपने एनालाइज किया होगा भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी के, तो विपक्षी दलों के बारे में भी आपने अपने ज्योतिष शास्त्र से पता किया होगा कि क्या होने वाला उनका भविष्य, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। जी देखिए, मैंने राहुल जी की कुंडली देखी। जी उसमें जो शनि है वो बहुत नीच राशि के बैठे हैं और आय भाव में, जहाँ से उपलब्धियाँ हमारी मनोकामनाएं या हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है उस भाव में है। जी तो जब नीच का शनि एक अपनी इच्छाओं के भाव में बैठता है तो वो इच्छाओं को पूरा नहीं होने देता है। जी बाय पार्थ ने जो इतना अच्छा राजघराना मिला उससे ये यहाँ तक तो पहुँचे मगर प्रधानमंत्री पद इन्हें प्राप्त होगा ऐसी संभावना इनकी कुंडली नहीं कहती है। जी और दूसरा रहा आप पार्टी का, तो उनका भी एनालाइज किया, तो केजरीवाल जी के लिए तो अभी स्थिति बहुत ही गंभीर से भी गंभीर है। जी तो अभी 5 साल के बाद भी, 5 साल के बाद जो अगला होगा उसमें भी इन्हें वापस सत्ता में बने रहने के लिए बहुत ही मेहनत करनी होगी, उस समय भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है 5 साल के बाद की भी। जी जी और कांग्रेस और अभी तो आप ही ज्यादा है जिनका एनालाइज किया जाता है। जी 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 तो दोनों के योग बहुत कमजोर हैं और इसकी तुलना में मोदी जी के योग बहुत प्रबल बने हुए हैं। जी 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 मैम, आपके शास्त्रों के हिसाब से, ज्योतिष शास्त्रों के हिसाब से कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्या करना चाहिए उपाय जिससे उनकी जो स्थिति है अब से बेहतर हो सके? जी देखिए, अगर आपकी कुंडली में योग होते हैं तो उन योगों को
बेहतर करने के लिए आप उपाय कर सकते हैं। और क्योंकि राहुल गांधी जी और कांग्रेस की कुंडलियों में अभी छठा भाव मतलब जो विरोध में है वो जो बहुत ज्यादा प्रबल बने हुए हैं, तो उनको शांत करने के लिए इन्हें बगलामुखी साधना एक बार करवा लेनी चाहिए जी जी, जिससे इनके शत्रु शांत हो जाएंगे, उनकी जो पावर है वो कमजोर पड़ जाएगी जी। और एक ग्रह शांति होती है नवग्रह शांति, जिससे सारे नवग्रह को जो दोष होते हैं वो दूर होते हैं, उन्हें यह अनुष्ठान भी करवाना चाहिए, तो काफी हद तक इन्हें सफलता उसमें मिल सकती है, क्योंकि विरोधी शांत होंगे तो इनकी जो सफलता की संभावनाएं हैं वो बढ़ जाएंगी जी। रेखा जी, आप ज्योतिष शास्त्र की कौन सी विधि से एनालाइज करती हैं? जी मैं वैदिक ज्योतिषी हूँ, तो मैं कुंडली देखती हूँ और कुंडली में भी किसी भी जीवन में आने वाली घटना का सही काल निर्धारण करने में मैं महारत रखती हूँ जी, जी। इसके साथ ही मैं प्रश्न शास्त्र भी देखती हूँ, किसी भी घटना का कब होगा, कैसे होगा और किस प्रकार होगा, यह प्रश्न शास्त्र से मैं बता सकती हूँ जी। जी रेखा जी, आप कब से ये कर रही हैं और आपको मतलब कैसे लगा कि आपको इस क्षेत्र में आगे आ सकती हैं, आप इसमें काम कर सकती हैं करके? जी मैं बहुत पढ़ने में रुचि रखती हूँ और वेद शास्त्रों का अध्ययन, पुस्तकों का, ग्रंथों का, इस सब में मेरी रुचि हमेशा ही से ही रही है। और ये कह सकते हैं कि जब मैंने स्कूल में थी तभी से मैं किताबें पढ़ने की बहुत ज़्यादा शौकीन रही हूँ, किताबें पढ़ने में मेरी रुचि रही है, नया कुछ जानना, कुछ नया से नया, अपने संस्कृति, अपने वेद शास्त्र, इन सबको मैं बचपन से पढ़ती रही हूँ। और अभी 15 वर्ष हो गए मुझे इस विद्या में आए हुए, आचार्य करने के बाद मैंने इसमें रिसर्च किया और अभी 15 साल से रिसर्च ही कर रही हूँ। रोजाना मैं 15 से 20 से ज़्यादा कुंडलियाँ देखती हूँ, उनमें रिसर्च करती हूँ, कुछ नया निकालने की कोशिश करती हूँ, पर उन सबका आधार हमें हमेशा वैदिक ज्योतिष शास्त्रों को रखती हूँ। कुछ नया करने के लिए अपने शास्त्रों को मैं जरूर रखती हूँ, क्योंकि वही हमारे ज्ञान की नींव है। रेखा जी, Clipper 28 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी मैम, थैंक यू। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.